आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। एसीबी ने आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। दोस्तों, बाबूलाल कटारा ने अपनी वैध आय से 61% अधिक 2.8 करोड़ संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। जांच में इस खुलासे के बाद कटारा के खिलाफ एसीबी उदयपुर रेंज के सब इंस्पेक्टर हरीश चंद्र ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी कटारा ने नवंबर 1987 को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नौकरी शुरू की थी। इसके बाद अप्रैल 1991 में जिला सांख्यिकी अधिकारी बाड़मेर बने। 1994 में विकास अधिकारी पंचायत समिति भीम राजमंद रहे। इसके बाद 2005 में मुख्य आयोजना अधिकारी राजमंद बने। 2013 में सहायक शासन सचिव आयोजना विभाग शासन सचिवालय जयपुर रहे। 2020 में निदेशक टीआरआई उदयपुर से सेवानिवृत्त होने के बाद अक्टूबर 2020 में आरपीएससी सदस्य बने थे। एसीबी के अनुसार बाबूलाल कटारा ने अपने साले अमरपुरा खेरवाड़ा उदयपुर निवासी हीरालाल मीणा के माध्यम से अपनी पत्नी शांति देवी के नाम से एक मकान का 20 मार्च 2015 को पंजीकरण कराया और साले हीरालाल लघु कृषक होने के कारण आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फिर वह इतना महंगा मकान बहन को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं।